तो जैसा कि दिख रहा है कि आज हम लोग वर्क पावर एंड एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि वर्क हम लोग पढ़ेंगे, फिर एनर्जी पढ़ेंगे, फिर हम लोग पावर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पावर छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं वर्क, फिर फर्दर हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में, फिर पढ़ेंगे पावर के बारे में। तो वर्क को जानने से पहले हम लोगों को दो तीन टर्म को क्लियर करना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले फोर्स। फोर्स होता क्या है? फोर्स किसी भी बॉडी को पुश करना या फिर पुल करना, इसी फेनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। तो किसी भी बॉडी को जब हम लोग पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं, धक्का मारते हैं या फिर खींचते हैं, तो उसी फेनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं? उस बॉडी पे हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया। अब फोर्स क्या क्या कर सकता है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फोर्स सबसे पहला काम क्या करेगा कि रेस्ट बॉडी को मोशन में कर देगा, है ना। सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ये रेस्ट में, अगर ये रेस्ट में है तो अगर हम लोग इसमें कुछ फोर्स अप्लाई करें तो ये बॉडी कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा? मोशन में हो जाएगा। तो जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो किसी भी रेस्ट बॉडी को वो मोशन में कर सकता है, पहला चीज। या फिर किसी भी मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है पहले से ही, तो उसको क्या करेगा, या तो उसका सपोज दैट कोई ये बॉडी है, ये बॉडी में पहले ही मोशन था। अगर हम लोग डिपेंड करता है कि इसका मोशन क्या होगा, स्पीड बढ़ा सकता है, स्पीड घटा सकता है, या फिर पूरे तरह से रेस्ट में ला सकता है। अगर सपोज दैट कि ये इसका वेलोसिटी, ये जो मोशन में जा रहा है इधर, इस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर हम लोग फोर्स अप्लाई इधर करते हैं तो हो सकता है इस बॉडी का जो मोशन है पूरी तरीके से रुक जाए और वो रेस्ट में हो जाए। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर हम लोग इधर फोर्स अप्लाई किए तो इसका मोशन कम हो जाए, है ना, घट सकता है स्पीड। और अगर इसका ऑपोजिट में जिधर मोशन है उसी डायरेक्शन में अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो फोर्स कुल मिलाकर के रेस्ट बॉडी को मोशन में ला सकता है और मोशन वाले बॉडी को रेस्ट में ला सकता है, है ना, मोशन वाले बॉडी को रेस्ट में ला सकता है, या फिर स्पीड कम कर सकता है, या फिर स्पीड ज़्यादा कर सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि हम फोर्स किधर से अप्लाई किए। और एक चीज़ होता है कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। डायरेक्शन बोले तो सपोज दैट कोई बॉक्स है ना, कोई ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, अगर हम इसके फोर्स अप्लाई कर दें किसी दूसरे एंगल की तरफ से, तो ये मोशन वाला जो ऑब्जेक्ट इधर जा रहा था वो ऑब्जेक्ट अब टर्न कर जाएगा इधर, इट मीन्स इसका डायरेक्शन जो है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। तो ये डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। और क्या कर सकता है? एक चीज और कि किसी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज कर सकता है। कॉन्फ़िगरेशन बोले तो उसका शेप साइज चेंज कर सकता है, है ना। जैसे हम लोग कोई फुटबॉल में अगर हम लोग किक मारते हैं तो उसका शेप क्या होता है? थोड़ा शेप में चेंज हो जाता है। तो कॉन्फ़िगरेशन इतनी शेप और साइज चेंज कर सकता है, मोशन में रेस्ट वाले बॉडी को मोशन में ला सकता है, मोशन वाले बॉडी को रेस्ट में ला सकता है, या फिर उसका स्पीड कम कर सकता है, या फिर स्पीड ज़्यादा कर सकता है। और एक फोर्स क्या कर सकता है? डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। तो ये तो हम लोगों ने बात कर लिया। और फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो तो सबको पता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। एफ इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये तो सबको ही को पता है। अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं किसी दूसरे टॉपिक के बारे में जो कि वर्क से रिलेटेड है। तो दो टर्म है हम लोगों को, तो जरूरी है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन समझना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, है ना। तो समझ लेते हैं इसको कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, अंतर क्या है। तो सपोज दैट कि कोई ए से बी कोई डिस्टेंस है, मान लिया कि ये जो है डिस्टेंस वो 500 मीटर है, है ना। दो इंसान है, एक है राम और दूसरा है श्याम। तो पहला जो है राम जो है ये इसी रास्ते पे ट्रेवल किया ए टू बी, है ना, राम इधर ही से गया। और श्याम जो है वो थोड़ा ड्रिंक किया हुआ था तो रास्ते में झूमते झूमते ए टू बी तो पहुंच गया, लेकिन उसका डिस्टेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो गया। वो ट्रेवल कर लिया ए टू बी जाने में सपोज दैट 2 किलोमीटर, जबकि अगर वो सीधा चलता तो वो 500 मीटर में ही ट्रैवल करके वो पहुंच सकता था ए टू बी,
काम तो दोनों का वही है, ए भी, ए से बी जो राम गया वो भी वहीं पर पहुंचा, और ए से बी जो श्याम जो गया वो भी वहीं पर पहुंचा। लेकिन फर्क क्या था कि श्याम ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है और राम कम डिस्टेंस ट्रेवल किया और पहुंच गया। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है यही होता है, हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा पाथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ए टू बी जाने का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, सीधा है ना, ए टू बी जो राम जो ट्रेवल किया वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट तो जो ट्रेवल किया है राम उसी को बोलेंगे, श्याम जो ट्रेवल किया है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे क्योंकि वो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ को चूज किया है, है ना। हाँ, इसको डिस्टेंस बोल सकते हैं, इसको भी डिस्टेंस बोल सकते हैं। अगर सवाल ये पूछ दिया जाए कि बताइए राम कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो हम लोग इजीली क्या बोलेंगे, 500 मीटर। और अगर पूछ लिया जाए कि श्याम कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 2 किलोमीटर, है ना। ये हम लोग बोल सकते हैं, डिस्टेंस दोनों में यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि बताइए ए टू बी जाने का डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा डिस्टेंस वही वाला होगा। तो 500 सबसे शॉर्टेस्ट है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि राम जो है वो डिस्प्लेसमेंट वाला रास्ता को चूज किया था, ठीक है। तो बस कुल मिला करके इतना ध्यान में रखना है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो सबसे छोटा पाथ होता है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है। अब हम लोग इसमें कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। पहला चीज ये लिखा गया है कि डिस्टेंस जो होता है वो बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से। क्या ये सही है? जी हाँ, ये सही है। कैसे? अभी जो बताया था कि ए टू बी जाने का एक शॉर्टेस्ट पाथ है 500 मीटर, है ना। और अगर डिस्टेंस के बारे में बात किए कि कोई बंदा जा करके 2 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस तो इसको भी बोल सकते हैं और इसको भी बोल सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक फिक्स होता है। क्या होता है? जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो डिस्टेंस तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ए टू बी जाने का रास्ता, है ना। तो डिस्टेंस जो होता है वो ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता है डिस्टेंस से, है ना। ये कुल मिला करके ये बात को याद रखना है। अभी और एक चीज लिखना है, एक चीज और है, क्या कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है? सपोज दैट कि राम जो है ना ए टू बी ने ये वाला रास्ता को चूज किया और ट्रेवल कर लिया, है ना, ए टू बी पहुंच गए। अगर पूछा जाए कि बताइए राम का डिस्टेंस कितना है, वो कितना ट्रेवल किया डिस्टेंस, तो भी हम लोग बोलेंगे 500 मीटर। और अगर ये पूछ दिया जाए कि ए टू बी में बताइए डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, कितना है, तो आप लोग बोलिएगा 500 मीटर। तो जो कुल मिलाकर जो रास्ता चूज किया है, डिस्टेंस भी वही होगा उसका और डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है। कब हो सकता है? जब कोई बंदा डिस्प्लेसमेंट वाला रास्ता में ही, जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसी रास्ता में वो ट्रेवल करे, तो वो डिस्प्लेसमेंट तो वही होगा और खास करके डिस्टेंस भी वही होगा, तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखने वाला ये बात है कि डिस्टेंस जो है बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, और दूसरा चीज क्या होगा कि डिस्टेंस जो है बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट का, है ना। अब हम लोग बात करते हैं, ये दोनों को अगर मर्ज कर दिया जाए तो एक ही वैल्यू को हम लोग याद रख सकते हैं कि डिस्टेंस जो होगा बड़ा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट का। लेकिन डिस्टेंस कभी भी छोटा नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट से, इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट कभी भी बड़ा हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन ही यही बोलता है कि वो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, सबसे छोटा पाथ है। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है। सपोज दैट अगर हम बोले कि ए टू बी में कोई बंदा जो है वो ऐसे ऐसे ट्रैवल करके वो 2 किलोमीटर पहुंच गए, तो अगर पूछे कि बताइए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो हम लोग ए टू बी का एक पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट को एक सीधा लाइन से खींच देंगे और उसको मेजर कर लेंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा और उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर होगा। अब हम लोग थोड़ा वर्क के बारे में जान लेते हैं कि वर्क होता क्या है। तो वर्क क्या है? वर्क एक्चुअल में प्रोडक्ट है, है ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो जो वर्क का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात किया कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है, लेकिन ये फॉर्मूला एक बोला जाए तो ये गलत है। 10th लेवल तक के लिए सही है, लेकिन 11th 12th अगर हायर स्टडी में जाओगे
तो ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये गलत है, क्योंकि वर्क जो होता है ना एक चीज, और जो फोर्स होता है वो बताया था कि फोर्स के बारे में भी पढ़ा, लेकिन एक चीज छूट गया था कि फोर्स जो है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी बोले तो बताया था कि दो तरह का क्वांटिटी होता है, एक स्केलर और एक वेक्टर। जो क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, है ना, वेक्टर और स्केलर। तो क्वांटिटी जो होता है दो तरह का होता है, एक स्केलर और दूसरा वेक्टर। तो स्केलर क्वांटिटी उसको बोलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करे, और वेक्टर क्वांटिटी उसको बोलेंगे जो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करे। हालांकि ये पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन टेंथ लेवल के लिए इतना ही काफी है, है ना। एक चीज और होता है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर होने के लिए। लेकिन हाँ, 99% बोल सकते हैं, अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिल गया तो हम लोग 99.9% बोल सकते हैं कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। एक और होता है टेंसर, जो कि हम लोग जानने की जरूरत नहीं है। अगर पूछे कि कोई बंदा पूछ लिया कि टाइम कितना है, तो अगर आप लोग पूछोगे कि टाइम स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी, तो वॉल में सपोज दैट कि कोई क्लॉक में 9 बज रहा है, 9 बज रहा है, है ना, 9 बज रहा है, तो हम लोग उसको किसी भी डायरेक्शन में ले जाएं, इस वॉल में लगा दें, उस वॉल में लगा दें, तो इसका वैल्यू चेंज नहीं करता, इसका वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो क्वांटिटी है टाइम वाला, वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन अगर ये बोल दिए फोर्स, तो फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे? अब जैसे सपोज दैट ये बॉक्स है, मैंने बोला कि इसमें ना 500 न्यूटन का फोर्स लगाया, बताइए ये बॉक्स किधर मूव करेगा। तो आप लोग बोलोगे कि पता नहीं, अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो इधर मूव करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो इधर मूव करेगा। कुल मिलाकर के इसमें डायरेक्शन की बात आ जाती है ना, मूव करने पर अगर कोई सवाल पूछ दिया जाए तो, है ना। लेकिन टाइम पे आपको कोई ऐसा नहीं पूछेगा कि कितना बज रहा है, किधर बज रहा है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सबके लिए क्या है, उसका मैग्नीट्यूड सेम है। तो इसमें डायरेक्शन का जरूरत नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोग इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, और इसमें डायरेक्शन का जरूरत पड़ता है, इसलिए हम लोग इसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो बहुत सारे क्वांटिटी है जो वेक्टर क्वांटिटी है, और बहुत सारे क्वांटिटी ऐसे हैं जो स्केलर क्वांटिटी है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मास, है ना। वेट को हम लोग वेक्टर में रखते हैं, क्योंकि वेट एक स्पेसिफिक यूनिक डायरेक्शन में काम करता है ना। क्या बताया था कि कोई ऑब्जेक्ट अर्थ उसे खींचती है, है ना, तो उसी की वजह से क्या होता है, एक यूनिक डायरेक्शन आ जाता है उसमें, कि वो नीचे की ओर ही फोर्स लगता है, इसलिए वेट को किस में रखा गया है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसे नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं वर्क के बारे में। तो अब हम लोग वर्क के बारे में जान लेते हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन टेंथ लेवल के लिए सही है। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि गलत कहां पर है। एक्चुअल में वर्क जो है स्केलर क्वांटिटी है, और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि एक ये शॉर्टेस्ट पाथ है और एक इसका यूनिक डायरेक्शन होता है। तो फोर्स भी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, और वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो यहां पर याद रखने वाला ये बात है कि दो वेक्टर क्वांटिटी को अगर मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट अगर हम लोगों का स्केलर आ रहा है, तो उसमें क्रॉस का नहीं डॉट का यूज होता है। ये वेक्टर में सिखाया जाता है, लेकिन अभी आप लोग उतना ध्यान मत रखिए। लेकिन अगर दो वेक्टर क्वांटिटी को अगर मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट जो है वो हम लोग को वेक्टर क्वांटिटी ही मिले, तो हम लोग दोनों में क्रॉस का यूज करते हैं। तो देखिए गाइज, यहाँ पर फोर्स भी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, तो दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट मिलता है वो वर्क मिलता है, और वह वर्क जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। दोनों में क्रॉस का नहीं डॉट का यूज होना चाहिए था। खैर, हम लोग तो 10th क्लास तक में बात कर रहे हैं, तो इसे समझते हैं वर्क को। तो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क जो फॉर्मूला होता है, अब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए, तो वर्क एक्चुअल में होता क्या है, जैसे अगर बात करें कि ये मार्कर को हमने यहां से यहां लिफ्ट किया, तो मैंने इसमें कुछ वर्क किया कि नहीं। तो ये वर्क एक्चुअल में अगर हम लोग बोला जाए फिजिक्स में, तो इसका डिफाइन हम लोग कैसे कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगना और अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो पक्का उस बॉडी पे क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। लेकिन कहीं कहीं पर कुछ ऐसा भी सवाल मिलते हैं कुछ बुक में, जो कि उसे बोल देते हैं कि वो वर्क तो किया ही नहीं। जैसे सपोज दैट
कि कोई औरत है और वो सर में एक गमला लिए हुए है, बहुत ही हैवी वेट है उसका, मान लीजिए 5 kg है ना। तो ये बहुत बोला जाता है कि ये तो वर्क किया ही नहीं, एक जगह खड़े है, इसका डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है ना। फोर्स इस पे जो अप्लाई हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन इस बॉडी पे डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा है, तो वर्क क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसे गुस्सा लगेगा कि नहीं लगेगा? और भी बहुत सारा देखा होगा कि कूली जो होते हैं वो सामान ढो करके इधर ले जाते हैं, लेकिन उसमें बोला जाता है कि फोर्स इसका जो है वर्क जो है वो जीरो होता है, तो इसे गुस्सा लगेगा कि नहीं लगेगा? ये बेचारा इतना मेहनत किया है सामान को एक जगह से दूसरे जगह लिफ्ट करने में, और बोलता है कि उसका वर्क जीरो है। तो चलिए जानते हैं इसमें क्या फैक्ट छिपा हुआ है, इसमें क्या राज है। तो वर्क जो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। एक्चुअल फार्मूला जो वर्क का होता है ना, वो होता है फोर्स डॉट एस डिस्प्लेसमेंट, और ए डॉट बी क्या होता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए बी कॉस थीटा, है ना। तो वर्क जो हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा होगा। एंगल किसके किसके बीच होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है उसे हम लोग थीटा में लेते हैं। खैर 10th क्लास में तो सबको कॉस थीटा का वैल्यू 0 से 90, 180 तक का वैल्यू याद होगा, लेकिन फिर भी अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, है ना। सपोज दैट कि कोई ऑब्जेक्ट है, हम लोग सारे फोर्स के बारे में इसमें अप्लाई कर लेते हैं, है ना। कोई सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है, हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया, इधर फोर्स अप्लाई किया 500 न्यूटन, और ये जो बॉडी है ये डिस्प्लेस कर गया कुल मिला करके यहां से यहां तक, यानी 3 मीटर ये क्या कर गया? डिस्प्लेस कर गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका फोर्स लगाने पर। और इसका एक फ्रिक्शनल फोर्स है इधर, कितना है फ्रिक्शनल फोर्स? सपोज दैट हम लोगों ने मान लिया कि 200 न्यूटन, ठीक है 200 न्यूटन। और इसका एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोगों ने मान लिया न्यूटन, है ना, कुछ भी मान लिया। तो इसमें ना इस बॉडी पे बहुत सारा फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक तो हम लोग जो अप्लाई फोर्स किए हैं वो, लेकिन इसका जो डिस्प्लेसमेंट है इधर हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। तो इसमें बहुत सारे वर्क हो रहे हैं। अगर वर्क के बारे में बात किया जाए कि अप्लाइड फोर्स का बताइए, तो अप्लाइड फोर्स का जो वर्क होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी एफ एस कॉस थीटा, तो फोर्स कितना है? एफ एस कॉस थीटा, भी बताया था कि ए डॉट बी ये स्केलर क्वांटिटी है, तो ए डॉट बी यूज होगा, ए बी कॉस थीटा होता है फॉर्मूला। तो ये दोनों के बीच में एंगल कितना है? फोर्स भी इधर ही लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, तो ये दोनों का एंगल कितना है? थीटा 0 डिग्री है। तो फोर्स कितना होगा? 500 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 3 मीटर। और इन लोग दोनों का जो बीच कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो डायरेक्टली हम लोग फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ अप्लाइड फोर्स यानी वर्क जो होगा वो आएगा पॉजिटिव में, है ना। लेकिन अगर हम वर्क डन बाय निकालें फ्रिक्शनल फोर्स का, तो फ्रिक्शनल फोर्स का क्या हो जाएगा? डब्ल्यू एफ फ्रिक्शनल फोर्स। फोर्स तो है 200 न्यूटन, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बॉडी का 3 मीटर इधर हो रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है? 180। और कॉस 180 का वैल्यू होता है नेगेटिव -1, तो 200 × 3 और ये हो जाएगा -1, तो -600 आएगा जूल, है ना, किसका? फ्रिक्शनल फोर्स का। और अगर हम लोगों ने निकाला ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या हो जाएगा? डब्ल्यू जी, है ना, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फोर्स कितना है ग्रेविटेशनल फोर्स का? 300 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है? इधर हो रहा है 3 मीटर, और दोनों के बीच का एंगल कितना है? ग्रेविटेशनल फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, तो एंगल दोनों के बीच का 90 है, तो कॉस 90 कितना होता है? 0। तो वैल्यू क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स 0, है ना। तो इसीलिए क्या होता है, कोई भी बॉडी पे बहुत सारा वर्क होता है, बहुत सारा फोर्स काम कर रहा होता है, लेकिन हम लोग कौन से फोर्स के बारे में स्पेसिफिक बात कर रहे हैं उसके बारे में डिस्कस नहीं किया जाता है बुक में। सिर्फ लिख दिया जाता है कि कूली जो है वर्क क्या कर रहा है? जीरो कर रहा है। तो वहां पर कंफ्यूजन हो जाता है, तो कौन सा फोर्स ले रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स वाला या फिर फ्रिक्शनल फोर्स या फिर अप्लाइड फोर्स वाला, है ना। उसके सर पे जो लोड रखा हुआ है वो वेट वेट होगा उसका, फोर्स होगा कुछ वो फोर्स, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है कूली वाला जो है जीरो क्यों बोला जाता है समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं कैसे, एक यहां डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम यह है कि कूली क्या कर, वर्क डन क्या हो सकता है? वर्क क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है।
लेकिन कब पॉजिटिव कब नेगेटिव और कब जीरो होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का सेम डायरेक्शन होगा। इट मीन्स कोई बॉक्स है, फोर्स भी इधर ही लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, तो वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट है ना, फोर्स इधर लगाया, सपोज दैट फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्स इधर लगाया और डिस्प्लेसमेंट इधर लगाया, तो दोनों में वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब बोलेंगे फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर कैसे हो सकता है, जी हाँ हो सकता है, क्योंकि हम लोग जो फोर्स लिए हैं वो फ्रिक्शनल फोर्स वाला लिए हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स इस बॉडी पे कितना काम कर रहा है, और हम लोग जो अप्लाई फोर्स किए थे इधर किए थे उसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो हम लोग वर्क डन किसका निकाल रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स का, जिसके वजह से उसका एंगल जो है फ्रिक्शनल फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का एंगल कितना बन रहा है, 180 बन रहा है, इसलिए इसका वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। अब जीरो कब होगा, जब वर्क डन फोर्स बॉडी पे इधर लगे और डिस्प्लेसमेंट इधर लगे, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो एंगल के बारे में बात कर लेते हैं, अगर थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का 0 डिग्री हो, इट मीन सेम डायरेक्शन में हो, फोर्स भी इधर ही और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही, तो पॉजिटिव होगा वर्क डन। और अगर वर्क नेगेटिव कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल कितना हो, थीटा का वैल्यू 180 डिग्री। जीरो कब होगा, जीरो तब होगा जब थीटा का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री, है ना। तो कूली को क्यों बोला जाता है कि वो वर्क डन जीरो किया है, एक्चुअल में वहां पूरी तरह से डिफाइन नहीं किया हुआ होता है, क्या होता है कि जो कूली पर जो लोड लगा हुआ है टोटल, है ना, तो जो लोड है वेट के कारण इधर और इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो दोनों का बीच का एंगल 90 हो जाता है, इसलिए जीरो होता है। लेकिन ये वर्क कर रहा है, कौन सा कर रहा है, कि इस पर फोर्स जो पुल कर रहा है वो इधर भी फोर्स लगा रहा है, अगर ये वाला फोर्स और डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो उसका वर्क कुछ ना कुछ आएगा। सिर्फ बुक में जीरो इसलिए लिखा जाता है क्योंकि उसका कुल मिला करके एक बॉडी में बहुत सारा फोर्स अप्लाई होता है, और वो सारे फोर्स को अप्लाई ना करके, मतलब स्पेसिफिक सबको इंक्लूड नहीं करता है, सिर्फ किसी एक डराने के लिए क्या कर दिया जाता है कि फोर्स बोल दिया जाता है कि उसका वर्क जीरो है, लेकिन पूरी तरह से समझाया नहीं जाता है। तो गाइज एक्चुअल में होता क्या है कि उसका वर्क जो है, देखिए लोड के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है और इसका अप्लाइड फोर्स भी लग रहा है और इस पर फ्रिक्शनल फोर्स भी काम कर रहा होगा, है ना, तो बहुत सारा फोर्स है, कौन सा वर्क जीरो है वो उसमें स्पेसिफिक नहीं किया जाता है। तो आज हम लोग पढ़ लिए कि वर्क कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा और कब जीरो होगा। तो एंगल पे डिपेंड करता है, अगर एंगल जीरो तो पॉजिटिव, अगर एंगल 180 तो नेगेटिव, और अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो जीरो, ठीक है। तो फोर्स इस पर जो काम कर रहा था, वेट, टोटल वेट फोर्स इधर लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो इसीलिए वहां पर बुक में लिख दिया जाता है कि वो वर्क जीरो कर रहा है। तो इसे तो गुस्सा लगेगा ही कि एक बात लिख दिया कि हम कुछ वर्क ही नहीं कर रहे हैं और मेरा मेहनत तो बेकार में जा रहा है। लेकिन गाइज ऐसा नहीं है, ये एक फोर्स वाला काम कर रहा है और भी बहुत सारा फोर्स इस पर अप्लाई हो रहा है, अगर उसका वर्क निकालेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा। तो इसे नोट करें, हम लोग आगे और भी एनर्जी के बारे में जानेंगे। तो अब हम लोग एनर्जी के बारे में जान लेते हैं। तो एनर्जी जो होता है बहुत तरह का होता है, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी, उसी को बोलते हैं। तो हम लोग स्पेसिफिक मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग दो के बारे में पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में और दूसरा पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस है, यह भी जानना जरूरी है। काइनेटिक एनर्जी तब होगा जब कोई बॉडी में मोशन, है ना, उस पर कुछ वेलोसिटी, और पोटेंशियल एनर्जी तब होगा जब किसी भी बॉडी पे हाइट हो, है ना। जैसे बोला कि कोई बॉडी में वेलोसिटी है तो हम लोग उसमें काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं, और अगर कोई बॉडी में हाइट है, है ना, कुछ डिस्टेंस अबव जा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। तो एनर्जी जो होता है दो तरह का होता है, एनर्जी पोजेसेस बाय एनी ऑब्जेक्ट बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, है ना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे मोशन के कारण जो एनर्जी होता है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, और किसी भी ऑब्जेक्ट पे हाइट वाला, इट मीन्स जो हाइट है उसमें हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। तो मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग दो डिवाइड किए, काइनेटिक और एक पोटेंशियल, तो देखते हैं एक एक करके। और हाँ, कोई भी बॉडी पे एनर्जी क्या होता है, जिस पर हम उस बॉडी पर जितना वर्क करते हैं वही वर्क एज अ एनर्जी उस पर रिस्टोर होता है। जैसे सपोज दैट इस चौक को मैंने ग्राउंड से उठाया, है ना, सपोज दैट यहाँ रखा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ उठाया, तो
तो जितना वर्क इसको यहां से यहां तक लाने में मैंने किया, वही वर्क एज एनर्जी इस बॉडी पे क्या हो गया, रिस्टोर हो गया। तो एनर्जी कुछ नहीं है, कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है। तो एनर्जी, तो सबसे पहले आज हम लोग काइनेटिक एनर्जी को प्रूफ करने वाले हैं कि काइनेटिक एनर्जी होता है क्या, इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को दो इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा, एक तो F इज इक्वल टू एम ए और दूसरा इक्वेशन बी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, जो कि हम लोग 9 क्लास में पढ़ चुके हैं, और नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां से डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि वर्क जो होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से एस का वैल्यू निकालेंगे और यहां से एफ का वैल्यू निकालेंगे और यहां पर पुट कर देंगे। डब्ल्यू इज इक्वल टू, देखिए यहां से अगर हम लोग एस का वैल्यू निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, टू ए इज इक्वल टू एस। तो एस का वैल्यू पुट कर देंगे, एफ की जगह क्या लिखेंगे, एम ए इंटू, एस की जगह क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए, दिख रहा है। अब यहां से देखिए ए और ए कट गया, W इज इक्वल टू ये हाफ को बाहर निकाल दिया, एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब अगर वर्क, यही वर्क किसके वजह से आ रहा है, वेलोसिटी के वजह से आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर जो इनिशियल वेलोसिटी है, हम लोग ये सपोज कर लेंगे कि इनिशियल में कोई ऑब्जेक्ट क्या था, रेस्ट में था, तो रेस्ट में था तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। अगर पहले से मोशन में रहता तो वी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करते, लेकिन हम लोग यहां पर एज्यूम कर लेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो। तो वर्क जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, यू का वैल्यू जीरो, तो वी स्क्वायर माइनस जीरो कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर। तो यही वर्क किसके वजह से हो रहा है, वेलोसिटी आ रहा है इसमें, तो यही वर्क एज अ एनर्जी इसमें इस बॉडी पे क्या हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा। लेकिन कौन सा एनर्जी होगा, काइनेटिक या पोटेंशियल, देखिए यहां पर वेलोसिटी के कारण आ रहा है तो ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये तो समझ में आ गया, ये जो है ना वर्क इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर। ये हम लोग आगे और भी वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। खैर हम लोग काइनेटिक एनर्जी को प्रूफ कर लिए कि किसी भी बॉडी पे जो हम लोग वर्क किए वही वर्क एज ए एनर्जी रिस्टोर होगा। अब यहाँ पर बात ये आता है कि कौन सा एनर्जी होगा, वेलोसिटी के कारण आ रहा है तो काइनेटिक, हाइट के कारण आएगा तो पोटेंशियल। अब हम लोग दूसरा पोटेंशियल एनर्जी को भी, कुछ छोटा सा है, पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा जल्दी में। सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड में रखा हुआ था, इसको हम लोग यहां से यहां ले गए और इसका डिस्प्लेसमेंट जो है हम लोग कर दिए एच हाइट तक ले गए, है ना, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया एच। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ एस। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स कितना अप्लाई किए इस बॉडी पर, जो फोर्स है एक्सेलरेशन जो आ रहा है किसके वजह से आ रहा है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, इसलिए हम लोग यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला लेंगे mg। तो फोर्स कितना हो जाएगा mg और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है h। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mgh। अब ये वर्क एज एनर्जी इसमें रिस्टोर होगा। अब रहा बात कि कौन सा एनर्जी होगा, देखिए हाइट के कारण आ रहा है तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh। mdh मसाला का नाम तो सुनेंगे, तो इसको हम लोग mgh से याद रख सकते हैं, mdh बिल्कुल मिलता जुलता है। लेकिन यहाँ बात यह है कि जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर बोल दिया जाए कि कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग ललचाने के लिए ऐसे दे सकता है कि पहले इधर ले गए फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, और टोटल डिस्टेंस बोल देगा कि यहाँ 5 यहाँ 10 यहाँ 15 ले गए यहाँ 20 ले गए यहाँ 10 ले गए, तो ऐसा नहीं है कि सबको ऐड करेंगे। हाइट हम लोग क्या बोले, डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट पाथ होता है यहाँ से यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग कर लेंगे 15 इधर और 10 इधर और 20 इधर, ये सब इंक्लूड नहीं करेंगे, ये सब इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हाइट जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है, इधर उधर कहीं भी ले जाए हमको उससे मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मतलब है, वही का जो डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट। तो ये लेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एनर्जी के बारे में, और भी बहुत सारा है। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और भी वीडियो जानने के लिए हमारे साथ बने रहें, थैंक यू।